चलिए शुरू कीजिए भाई। अच्छा आपने तो चार्ट दिया ही है दीपा जी, तो आप तो इस पे आपको इवेंट पता ही है, तो कोई भी शुरू कर ले इसमें। राजश्री बहन जी तो आज बाहर हैं, वो कह रही थी कि मेरा नेट आएगा जाएगा, क्योंकि उनके एरिया में भी दिक्कत है, तो और कोई शुरू करे। ये घर में दूसरे नंबर पे हैं, लेकिन फिर भी इनके ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा है क्या? अभी तो इतने बहुत अच्छा। जी हाँ, गाड़ियों का शौक कैसा है? चमका के रखने वालों में है? जी हाँ है शौक का भी, बाइक का भी शौक है, मोटरसाइकिल जो सुमन जी आप बोलेंगे, कोमल जी आप बोलेंगे, या बाकी कविता जी, वंदना जी, अखिलेश जी, कौन बोलना चाहता है? फिर शुरू कीजिए, नहीं तो फिर अपने हिसाब से हम ही बोल देते हैं सारा चार्ट। सुनील भैया, मैं ना इस वक्त गुड़गांव हूँ, नेक्स्ट टाइम बोलूंगी, क्योंकि कुछ भी नहीं है मेरे पास, लैपटॉप पेन पेपर वगैरह। कोई बात नहीं, चलिए। सोन जी आप शुरू कीजिए। कुंडली आपके सामने, शुरुआत कीजिए। आवाज नहीं आ रही समझिए आपकी। सुमन जी आपकी आवाज तो नहीं आ रही, फिर कोई और ही बोले, कोमल जी बोलेंगे। कुंडली में शनि अपने घर का है, सूर्य अपने घर का है, चंद्रमा अपने घर का है, और लगन लॉर्ड ट्वेल्थ हाउस में है। ऐसे लोग स्कॉलर होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, घर से बाहर रहते हैं ज्यादा, मतलब जल्दी घर से दूर चले जाते हैं। जो फोर्थ लॉर्ड भी है और ट्वेल्थ हाउस में है, तो वो भी घर से बाहर, मकान या फिर घर से बाहर रहना ऐसा कुछ दिखा रहा है जल्दी।
बाकी ये वार पक्ष वगैरह इसके बारे में मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं है वो। नहीं, जिसके बारे में आपको जानकारी है आप वही बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और लग्नेश गुरु को शनि देख रहा है, ये एक अरिष्ट भी बनाता है लग्नेश को अगर शनि देखे तो, और कोई क्या शुभ बनाता है? उसको अरिष्ट बनाता है अगर लग्नेश को शनि देखे तो, और उस पर गुरु पर कोई शुभ दृष्टि भी नहीं है, और लगन को मंगल देख रहा है। अरेस्ट का मतलब हेल्थ इश्यूज लेके आता है। हाँ किसी भी तरह के कोई हेल्थ इश्यूज, लगन के बारे में मुझे इतना ही बोलना, आप बाकी आप लोग बता दीजिए। तो लगन के बारे में कहाँ बोला आपने? सेजिटेरियस पे तो कुछ बोला ही नहीं। ये द्विस्वभाव लगन है और अग्नि तत्व राशि का है, ये लोग आध्यात्मिक भी होते हैं और थोड़े, या ये गुस्से वाले होते हैं या इनके बच्चे गुस्से वाले होते हैं, क्योंकि इनके 5th हाउस में मंगल की राशि होती है। बहुत बढ़िया। अच्छा अच्छा बोल रहे हैं हम, कंटिन्यू। ये आप कुछ बताइए, मुझे थोड़ा बहुत इतना पता था। नहीं, अच्छा बोल रहे हैं, कंटिन्यू करिए। इन लॉर्ड 3rd हाउस में सेल्फ फंड मनी होती है, ऐसे लोग खुद अपने एफर्ट से पैसा कमाते हैं, किससे किससे कॉम्बिनेशन से बोल रहे हैं? सेकेंड लॉर्ड 3rd हाउस में। दीपा जी, एक बात बताओ मेरे को, इनकी इनकी इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट में, प्रॉपर्टी में, गाड़ियों पे भी बनी हुई है क्या, या बनी रहती है? मतलब जैसे लोगों को, कुछ लोगों को शौक होता है कि हमारे पास अचल संपत्ति बहुत होनी चाहिए, तो अचल संपत्ति में क्या आता है? बॉन्ड आते हैं, फिक्स एसेट्स आते हैं, और आपके जो लंबे समय तक गाड़ियां रख सके वो आते हैं, उसमें इनकी इन्वेस्टमेंट ये करते हैं। जी हाँ, जी कमल सेकंड हाउस वो भावतिलित में 4th पे चला गया, तो जैसे आपने बोला कि पैसा संपत्ति पर लगता है, पैसा संपत्ति पर पड़ता है। कोई कोई स्पेशलाइजेशन भी है क्या इनकी, कोई सब्जेक्ट के ऊपर किसी खास चीज की जानकारी भी रखते हो, इस तरह का है इसमें दीपा जी? जी बिजनेस की पढ़ाई कर रहे थे, फिर वो छूट के अकाउंटिंग करी थी। अकाउंटिंग, जी हाँ, तो आजकल जीवन यापन अकाउंटिंग से ही कर रहे हैं या कुछ और से कर रहे हैं? जी अभी वो सीमेंट का काम कर रहे हैं। स्पेशलाइजेशन तो नहीं हुई इनकी कोई? नहीं ऐसे ही है बस। कोई नाखूनों में किसी तरह की कोई खराबी तो नहीं है? हाथ या पैर के, उनसे मैसेज डाल के पूछते रहिएगा, हाथ या पैर के नाखूनों में कोई दिक्कत तो नहीं है? जी मैं बाद में पूछ के बता दूंगी, अभी तो नहीं पता इनका। अच्छा,
कई लोगों के नाखूनों में तरेड पड़ जाती है, कई लोगों के नाखूनों में निशान होते हैं, धब्बे होते हैं, इसलिए पूछा। लेकिन बचपन इनका कोई बहुत फ्लोरिश तो नहीं है, मतलब जो बचपन है उसमें तो इनको स्ट्रगल काफी देखने को मिला है। जी नहीं, बचपन में तो कोई स्ट्रगल नहीं था। कब फादर एक्सपायर हुए? फैमिली पहले पैसे वाली थी? जी हाँ। बचपन में कोई हेल्थ इश्यू तो नहीं रहे? नहीं जी। जब ये 33 साल के थे तब इनके फादर एक्सपायर हुए? 23। अच्छा सॉरी, 95 का है ये? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे दिमाग से कौन, वो एक ना एक्चुअली पुराना चार्ट है ये, तो 95 का, 95 का बर्थ है ना इनका? जी हाँ। एक सेकंड, हाँ 95, सॉरी। साल में तो 23 साल में इनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं पड़ी? जी हाँ। जीवन को ना 3 खंडों में बांटा जाता है, बाल अवस्था, युवा अवस्था और प्रौढ़। कुछ लोग इसे 4 तरीके से भी बांट सकते हैं लेकिन मूलतः यही है, ठीक है। तो आज का जो समय है उसमें अगर एक व्यक्ति की औसत आयु 75 से लेके 80 मान लेते हैं, हम ज्यादा भी होगी तो इसके 3 खंड करें तो 25 या 75, और 80 के भी करें 26-27 आएगा, ठीक है। तो 8वें स्थान में यदि चंद्रमा हो तो क्या कहता है, ये लोहे के पांव में जन्म हुआ इसका, और जिनका जन्म लोहे के पांव में चौथे में या 8वें में हुआ था, कहाँ का बोला गया, 4-8-12 में बोला गया, चौथे स्थान में लोहे का पाया हो, 8वें स्थान में हो या 12वें में चंद्रमा हो, तो कहते हैं इनका बाल्यकाल, ये कष्ट में बीतता है। तो वैसे तो ये
23 वर्ष के थे, लेकिन 23 वर्ष कोई बहुत ऐसी आयु नहीं होती कि व्यक्ति इतना परिपक्व हो। तो एक योग बनाता है ये, आठवें स्थान में यदि चंद्रमा हो तो सर्प भय, जलोदर रोग, और बाल्यकाल में स्वास्थ्य या संघर्ष दिखाता है। तो इसमें दो तीन चीजें देखने को मिल रही हैं कि जब ये जो पीरियड बताया आपने 25 साल तक की आयु में डेंगू टाइफाइड डायरिया कभी कभी इनसे संबंधित समस्याएं देखने को मिली है। जी अभी रिसेंटली किडनी स्टोन होते वो हुआ था अप्रैल के पास करीब। अप्रैल हाँ जी अप्रैल मई में करीब इस पे हुआ था इस टाइम पे। ठीक है, दूसरा जो वो बोला था कि नाखून नेल्स, मेष लग्न और धनु लग्न, कभी कभी नाखूनों से संबंधित शिकायतें देखने को मिलती हैं, जैसे कि आपका जो नेल है उसमें लाइनें पड़ी हुई हो, क्रैक को रखा हो, इस तरह का है। हाथ के या पैर के किसी के भी हो सकते हैं, लेकिन धनु लग्न के लिए एक चीज देखने को मिलती है, स्पष्ट वक्ता, सीधा बोलने वाला। धार्मिक क्या करना है क्या नहीं करना है, नियम बना हुआ है। धार्मिक का अर्थ होता नियमित। तो ये सब धनु लग्न से आता है। एक और पिछली बार एक योग बताया था लग्नेश द्वादशम भवो, दत्तक पुत्र के रूप में जाना जाता है। रिपीट कर रहा हूं, लग्नेश यदि 12वें में हो तो दत्तक पुत्र के रूप में जाना जाता है। आप में से कोई इसकी इंटरप्रिटेशन करता है, कर सकता है, इस कुंडली में क्या मतलब है इसका? जी आपने बताया था कि मां के या
ऐसे हमें कुछ फरियाद ऐसे दो तरीके से है कि या तो मान के लिया गया हो या एडॉप्टेड चाइल्ड की तरह ट्रीट होता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो बताइए इसकी इंटरप्रिटेशन इस कुंडली पे कैसे लगेगी, बताओ। इसकी इंटरप्रिटेशन इस कुंडली पे कैसे लगेगी बताइए। कुंडली आपके सामने है, थोड़ा सोचो, इसमें आपको बहुत आसानी से देखने को मिलेगा कि जो ये योग बताया है इस कुंडली पे कैसे लगे। नाइन्थ हाउस क्योंकि ये भी संतान का होता है। दोबारा बोलिए जी। नाइन्थ हाउस होगा और क्योंकि ये भी संतान का ही होता है। फिफ्थ सेवेंथ एंड नाइन्थ ये संतान में काउंट होते हैं इसलिए। नहीं वो तो ठीक है, इस पत्रिका पे इस नियम को कैसे लगाओगे, मैंने वो पूछा कि दत्तक पुत्र के रूप में जाना जाता है तो ये कैसे जाना जाएगा दत्तक पुत्र के रूप में। बताइए सुमन जी, इस योग को इस पत्रिका पे कैसे लगाएंगे। चलो कोमल जी आप बताइए इस योग को इस पत्रिका पे कैसे लगाएंगे। फोर्थ लॉर्ड ट्वेल्थ हाउस में चला गया और शनि से श्रेष्ठ है, और नाइन्थ हाउस और मंगल से फोर्थ हाउस श्रेष्ठ है। फोर्थ हाउस पाप का थीम है, माँ का होता है जो, और जो फादर का होता है नाइन्थ हाउस और नाइन्थ लॉर्ड वो भी शनि से दृष्ट है, तो दोनों को अफ्लिक्शन आ रही है, तो मे भी बच्चे को मदर फादर के अलावा कुछ बच्चे को मदर फादर के अलावा किसी और ने पाला हो। समीप ही हो आप, काफी काफी नजदीक आके बोला आपने, अच्छा है। जो लोग मूक दर्शक बने हुए हैं वो फिर मूक ही रह जाएंगे। कुछ परिस्थितियां हैं लोगों की वो चुप है, उसके लिए कोई देखो आप उस पर अपने ऊपर ना लें, क्योंकि हो सकता है कोई कहीं बैठ के कर रहा हो, बोलने में दिक्कत आ रही हो, लेकिन अगर ऐसे करेंगे तो फिर और उसको को सीखेंगे कैसे। एक बड़ा पुराना वो है कि जिनके पिता नहीं होते उनके कई पिता होते हैं। 23 वर्ष की आयु में इनके पिता तो नहीं रहे, जैसे मैंने बोला आपने काफी समीप जाके बोला है आप, तो 23 वर्ष की आयु में जब जिसके पिता नहीं रहे तो ऑटोमेटिकली वो किसी को तो अपना पिता या पिता समान मानेगा ना, पिता भले ही ना हो लेकिन किसी को तो अपना गॉडफादर या पिता मानेगा ही ना। यही सूत्र इसके सामने लग रहा है कि भई ये दत्तक पुत्र के बारे के रूप में जाना जा रहा है। तो जब भी आप सूत्र को देखें तो उसको किसी भी कुंडली पे अप्लाई कैसे होता है उसके बारे में भी सोचें। तो अच्छा प्रयास था सुमन जी आपका। चलो
कि अगर थर्स्ट है, हेलो, हाँ जी, हाँ, जैसे अगर लग्नेश थर्स्ट है तो इसका मतलब ये होगा कि किसी मतलब किसी और से माँ का या पिता का प्यार नहीं मिलेगा। हाँ, शास्त्र में तो यही लिखा हुआ है कि भाई ये दत्तक पुत्र के रूप में जाना जाता है, तो किसी भी प्रकार से मतलब दत्तक पुत्र का क्या मतलब है, गोदली संतान, जो उसकी अपनी संतान नहीं है वो उसको दत्तक पुत्र बोला है ना। तो ऋषि कहते हैं कि ये दत्तक पुत्र के बारे में रूप में जाना जाता है। अब इससे कई सारे मतलब बन सकते हैं, माता पिता का सुख कम मिले ये भी हो सकता है, ठीक है, किसी और की संतान के रूप में यूज हो। ऐसी कुंडली इस बार तीसरी या चौथी आई है, तीसरी तो मुझे ध्यान है, उसमें भी यही योग था कि वो लड़की थी तो उसको दत्तक पुत्र के रूप में जाना गया। तो कॉम्बिनेशन तो बनाने की कोशिश करेंगे। एक तो योग होता है जब छठे स्थान का स्वामी लगन में बैठा हो तो अडॉप्टेड चाइल्ड होता है, ये अडॉप्टेड चाइल्ड की तरह यूज किया जाता है। दूसरा जो क्लासिकल टेक्स्ट कहता है वो लग्नेश का नहीं है इसमें एग्जैक्टली, चतुर्थेश का जो वो है वो बारहवें में जाने से आता है, और लग्नेश भी जब चतुर्थेश बन जाए तो ये ज्यादा देखने को मिलता है। मान लीजिए मिथुन लगन है और बुध हो जाए तो ये ज्यादा देखने को मिलता है। जी आगे बोलिए कोमल जी। ठीक बोला आपने, अच्छा बोल रहे हैं। थर्ड लॉर्ड थर्ड हाउस में है तो वैसे तो वो अच्छा माना जाता है, पर शनि थर्ड हाउस में अच्छा नहीं माना जाता, भाई बहन के लिए हेल्थ इश्यूज थोड़ा सा। और थर्ड 3, 6, 11 में अगर पाप रहे हो तो बंदा बहुत बोल्ड होता है और लोग उससे बात करते हुए डरते हैं। वैसे इसमें ना पता है क्या है, जो आपके भवन में तो बहुत पढ़ाते हैं इसको, उसमें ये कहा जाता है कि तीसरे स्थान में यदि शनि हो तो व्यक्ति का बड़ा भाई नहीं होता है, बहन हो सकती है, और तीसरे स्थान में मंगल हो तो छोटा भाई नहीं होता है। तो यदि हम ध्यान से देखें तो शनि इसमें तीसरे स्थान में 19 अंशों का है और लगन हमारा केवल 5 अंश का है, तो शनि खिसक के चले जाते हैं आपके चौथे स्थान में। तो जब मैंने पूछा इनसे कि इस व्यक्ति को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का, फिक्स एसेट में इन्वेस्ट करने का, बॉन्ड बनाने का, बॉन्ड मतलब आपके एफडीज वगैरह लॉन्ग टर्म बॉन्ड बनाने का, या ऐसी गाड़ियां जो देर तक रख सकें उनमें इनको रुचि रहती है क्या, तो वो उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा है। तो इसका परिणाम तीसरे स्थान का तो आ ही रहा है, मेनली चौथे स्थान से ज्यादा आ रहा है। फोर्थ हाउस में शनि हो तो सोशल नहीं होता बंदा, और थोड़ी सेटिस्फेक्शन कम होती है, मन की शांति कम होती है, सोशल नहीं होता। हाँ, अच्छा, मतलब थोड़ा आइसोलेट रहने की कोशिश करता है। ये पढ़ा, बाकी आप बता दीजिए, मैं तो ऐसे थोड़ा नहीं नहीं ठीक है, ठीक है, आगे लगा के देखेंगे कोई ऐसी वाली बात। हाँ, बाकी तो मैडम बताएंगे कि वो सोशल है या क्योंकि चौथा स्थान मन का है, तो यदि उसमें शनि है तो हो सकता है कि उसकी एनर्जीज को अरेस्ट करता हो, और चौथा स्थान बंधु बांधवों का है, तो हो सकता है ये बात जो आप कह रहे हैं बिल्कुल लगती हो, एक बार उनसे कंफर्म कर लेते हैं कितने सोशल हैं और कितने अनसोशल हैं ये। जी है, सोशल तो है।
चौथे स्थान में शनि होने से जो कोमल जी बोल रही हैं वो पॉइंट तो अपने आप में ठीक है, लेकिन उसके जो ज्यादा परिणाम है वो इस तरीके से देखने को मिले हैं कि चौथे स्थान में यदि शनि हो तो जो आपका चौथे स्थान में शनि हो तो इनके पास पुरानी संपत्तियां होती हैं, मतलब कोई पुरानी प्रॉपर्टी हो है, तो ये तो सर हमें कहते थे तो इनकी कोई पुरानी प्रॉपर्टी या गांव की कोई प्रॉपर्टी है इनके पास, कोई पुराना घर है इनके आसपास? जी जी हाँ, अभी रिसेंटली बेचा है उन्होंने। और जो कोमल जी कह रही हैं वो बात भी, उसमें भी एक्चुअली कॉम्बिनेशन तो ठीक बनता है, वो जातक शास्त्र ये कहता है इफ दे सेटन इन फोर्थ द पर्सन हैव नो हैप्पीनेस एंड ट्रबल इन माइंड, उसका अर्थ ये हुआ कि जो इनडायरेक्ट वे में जो उन्होंने कहा कि भाई सोशल नहीं होते, तो वो बात भी ठीक है, तो ये माइंड में रखनी चाहिए, आगे काम भी आएगा। लेकिन प्राइम ऑफेसी में ये तो देखने को बहुत मिला है कि इनके पास पुरानी संपत्ति होती है, पुराना गहना होता है और पुरानी जमा अवधि का पैसा होता है, ये तो इसमें बनता है। जी आगे बोलिए। फोर्थ हाउस में थर्ड लॉर्ड आ गया और फोर्थ लॉर्ड गुरु भी फोर्थ हाउस को देख रहा है, तो मदर को हेल्थ इश्यूज होते भी होंगे, ठीक भी हो जाते होंगे जिस तरह का शायद, क्योंकि मदर का फर्स्ट जो आप जो आपने बोला है मदर का जी कह रही है ठीक है, वो कह रही है दीपा जी। इनकी घर से दूर भी संपत्ति होनी चाहिए, फोर्थ फ्लोर ट्वेल्थ हाउस में गया। हाँ ये देखने को मिला, ये आचार्य भी हमारे कहते थे। चतुर्थेश यदि बारहवें में हो तो घर से दूर संपत्ति होती है, और कई बार अगर वो शत्रु राशि में है तो उसका उपयोग ही नहीं कर पाता, लेकिन शत्रु राशि में तो हो इसलिए नहीं सकता क्योंकि जो चौथे का जो त्रिकोण है वो बारहवां है, तो त्रिकोण हमेशा मित्र होते हैं, तो इसलिए ये तो नहीं कहा जा सकता कि भाई चतुर्थेश यदि बारहवें में है तो आपका वो शत्रु राशि में है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि चतुर्थेश यदि बारहवें में हो तो व्यक्ति जो है आपका संपत्ति दूर इन्वेस्ट करता है, फिर उसका लाभ नहीं उठा पाता कई बार। जी फिफ्थ हाउस में केतु है और मंगल देख रहा है, तो कई बार पेट में कुछ प्रॉब्लम, शनि भी देख रहा है या फिर में केतु बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति पराविद्याओं में बड़ा रुचि रखता है, ऊपर से मंगल बारहवें स्थान का स्वामी भी है, तो ऐसा व्यक्ति जीवन के रहस्य जानने में बड़ा इंटरेस्टेड होता है, लेकिन ये संतान दोष भी दे देता है कभी कभी। मैरिज हो गई इसकी? जी नहीं, उसी की प्रॉब्लम है कि लड़की नहीं मिल रही है। ये
सूर्य आपका 6 डिग्री का है, एक बार देखना जरा, मैंने इसमें 6 डिग्री लिखा है, ये 6 ही है या 0 है? और शुक्र कितना है? 7 डिग्री का। सूर्य तो 6:54 का है और ये शुक्र 7:51, यही है ना? एक बार जरा चेक करना। जी हाँ सही है। पिछली बार एक वो कॉम्बिनेशन बताया था कि जब ये मैरिज पढ़ा रहे थे उस टाइम भी बताया था और कई क्लासेस में बताया भी है कि आपका अड़तीस डिग्री से ऊपर शुक्र और 3 डिग्री 20 मिनट के अंदर शुक्र सूर्य। दाम्पत्य सुख में और वैवाहिक सुख में कमी देते हैं, आप इसमें देख लो कितने डिग्री का है। जी हाँ जी कोमल जी आगे बोलिए। टेंथ हाउस में हो तो जो हम पढ़ते हैं वही काम करते हैं, पर ये 11th में चला गया तो इसकी रिफ्लेक्शन एक्चुअली दोनों जगह हो रही है। टेंथ में तो है ही है, जैसे शनि तीसरे में भी है, चौथे में भी है, ठीक है, और पंचमे इस दसवें में भी है, 11वें में भी है, चलित कुंडली में 11वें में। तो पंचमे इस 11वें में हो तो स्पेकुलेशन से, जुए से, सट्टेबाजारी से, शेयर ट्रेडिंग से, स्टॉक मेंटेन करने से पैसा कमाता है। पांचवे में हो तो ऐसा व्यक्ति इंजीनियरिंग के काम, प्रॉपर्टी के काम, भट्टी के काम, सुनार का काम, ज्वेलरी का काम, हलवाई का काम, ये सब भी करता है। तो पहले ये देखो कि क्या काम करते हैं, और मंगल और बुध के होने से अकाउंट का काम भी आता है। यदि 10वें स्थान में मंगल हो तो कई बार व्यक्ति अकाउंट का, और वो भी खासकर जो बुध की राशि में मंगल हो, तो अकाउंट का काम भी करते हुए देखे गए हैं, और ये उसी तरह का ही हो गए। जी सीमेंट का काम है, भूमि से जुड़े काम वगैरह आते हैं इसके अंदर। जी 6th floor 9th house में फादर्स से डिफरेंसेस, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या कुछ। आपने बताया इनके, आपने बताया इनके पिता को वो हुआ, क्या बोलते हैं, तो नहीं रहे तो कोई एक्सीडेंट था या कोई लंबे चलने वाली बीमारी थी? जी उनको अचानक ही उनको पथरी हुई थी तो हॉस्पिटल गए थे,
और वहां पर सही भी हो गए थे। डिस्चार्ज के टाइम पे जैसे वो नीचे चेकआउट करने गए तो उन्होंने बोला कि एक बार दोबारा उनको देखना पड़ेगा, उनकी तबीयत खराब हो गई, उनको कोई इंजेक्शन दिया जिससे उनकी डेथ हो गई। दशा क्या थी मैडम? मुझे इतना पता नहीं है उस टाइम का। नेटिव की दशा पूछ रहे हैं आप? हाँ, ईयर पता होगा तो दशा निकल जाएगी। 2018 था जनवरी। 2018 जनवरी। केतु की दशा है। इनके दादाजी के साथ भी कोई मिस हैपनिंग हुई है? जी, दादी के साथ हुई थी, दादाजी के साथ नहीं हुई। दादी के साथ क्या हुई थी? जी, हेल्थ तो सब कुछ ठीक थी, पर पता नहीं अचानक ही उनकी डेथ हुई थी, कुछ रीजन नहीं पता चला लगा था। एज कितनी थी जिस समय उनकी डेथ हुई थी? सेवेंटी 75 की थी। 75 तो ठीक एज होती है, कोई मतलब बहुत ना, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है। फादर की जो डेथ का बता रहे हैं, अर्ली जैसे डेथ हो गई, सैटरडे सॉरी शनि और क्या सूर्य, एक तो सम सप्तक है। सर मेरी आवाज आ रही है? जी जी और इन फादर के जो मार्केश हैं, बुध और शनि, उनकी डिग्रियां बहुत क्लोज हैं, 29 डिग्री के आसपास ही हैं बुध भी और शनि भी, जो मार्केश हैं दोनों। तो यही चीज मेरी एक्चुअली ना सिस्टम से आवाज नहीं जा रही थी। मैंने ये चीज मैं जब फर्स्ट उसमें देखा था तो मुझे भी लग रहा था कि ये अर्ली डेथ नजर आ रही है फादर की। शायद हो सकता है यही रीजन है या क्या है, मैं यही जानना चाह रही थी आपसे, जो फादर की डेथ का। फादर की डेथ का जो बात आप कह रहे हो, डिग्रीकल जो कॉम्बिनेशन बोल रहे हैं ना, जी एक वराह का एक सूत्र है कि नवमेश और नवम स्थान को यदि शनि मंगल एस्पेक्ट करें तो जी पिता पिता की औचक मृत्यु होती है। एक सूर्य से छठे आठवें में यदि शनि मंगल बैठे हो तो पिता के लिए घातक होता है। दो, नवम स्थान पे अतिरिक्त पाप प्रभाव हो तो पिता को कष्ट होता है। तो अगर कई सारी चीजों को देख रहे हैं तो वो सीक्वल तो नहीं बन रहा। देखो, नवमेश नवम में है और छह छह अंशों के हैं और आगे चल के आपके मिथुन नवांश में है। यहां से तो पिता के बारे में नहीं लगता, लेकिन यदि पांचवें नौवें या लग्न में पाप ग्रह बैठे हों, अतिरिक्त सूत्रों में आता है, तो
तो ये जब त्रिकोण जब भी पीड़ित होते हैं तो भी पिता के लिए कष्टकारी होता है। लेकिन जो मुझे लगा, जिस कारण से मैंने पूछा कि दादा के साथ कोई मिसहैपनिंग तो नहीं हुई, पांचवें स्थान में यदि ऐसा चमत्कार चिंतामणि कहती है और भी कई क्लासिकल में मंत्रेश्वर भी यही कहते हैं, यदि पांचवें स्थान में राहु के लिए नहीं बोला, उसमें केतु के लिए बोला है। राहु यदि पांचवें स्थान में हो तो आपको पितृ दोष बनाता है, लेकिन यदि केतु पांचवें स्थान में हो तो ये पितृ दोष नहीं बनाता, ये पैशाचिक दोष बनाता है। तो ऐसे में घर में कभी कभी व्यक्ति अपनी कुल परंपराओं से विरुद्ध जाके जो पूजा पाठ करता है या मान्यताओं को मान लेता है, उसके कारण से परिवार में आपदाएं आती हैं। तो पैशाचिक दोष जो है वो एक समय सीमा से बनता है, तो इसका मतलब है कि इनके जन्म के बाद ये पैशाचिक दोष बनाए। इनके जन्म के बाद घर में जो पांचवें स्थान से होने वाली घटनाएं हैं, तो पांचवें स्थान से पिता 9 और 5 से दोनों से पिता को देखना चाहिए, ऐसा हमारे आचार्य कहते थे कि पांचवें स्थान में भी यदि पाप ग्रह है तो ये वो दिक्कतें देता है। तो दादा के साथ भी घटनाएं लगती हैं, पिता के साथ भी घटना लगती है, दादी के साथ भी हो सकती है, मदर के साथ पांचवें स्थान से नहीं आती है कभी भी घटना। तो क्योंकि ये पितृ स्थान है तो दादा या दादी नंबर 1 और पिता नंबर 2, और आगे चल के जब इनका विवाह हो तो संतान के लिए ये थोड़ा सा दिक्कतों भरा रहेगा। जी, इनकी जी इनकी दादी की हेल्थ, इनकी जब इनकी शादी, इनके फादर की शादी हुई थी, उनके विदिन 1 ईयर इनकी दादी की हेल्थ बहुत खराब हो गई थी, तो इस वजह से उनकी डेथ हुई थी। पहले वो एकदम हेल्दी थी। इनको बोलना है ज्यादा ज्यादा ये टोटकों वाला जो ज्योतिष है ना उस पे ज्यादा विश्वास ना करें, नहीं तो ये घर बैठा देगा, ये बड़े दोषों में परिवर्तित हो जाता है पांचवें स्थान में। यद्यपि अपने नक्षत्र में बैठा हुआ है लेकिन फिर भी ये दोष बिठा देगा ये। ओके, पर ये समय है तो जैसे उनकी इनके इनके फादर की जब मैरिज हुई थी तो इनकी दादी तो एकदम हेल्दी थी, तो एकदम से कैसे तबीयत खराब हो गई विद इन अ ईयर और डेथ भी हो गई। जब इनके फादर की मैरिज हुई तो इनका तो जन्म हुआ नहीं है, उसके कम से भी कम तो इनका जन्म तो उसके साल 1.5 साल बाद ही होगा ना। जी हाँ, लेकिन डेस्टिनी ये कहती है कि यदि पांचवें स्थान में राहु हो तो पितृ दोष होता है और पांचवें स्थान में केतु हो तो पैशाचिक दोष होता है, तो उनसे आप घटनाओं का अनुमान तो जरूर लगा सकते हैं। हाँ जी कोमल जी आगे बोलिए। 7th और 9th हाउस में हो तो विवाह के बाद भाग्योदय होता है, और नहीं ये सूत्र तो बिल्कुल सटीक है, लेकिन यही सूत्र एक अपने आप में बड़ा पिता के लिए प्राण घातक भी साबित होता है कई बार। सप्तमेश यदि 9वें, जैसे ये कहा जाता है तीसरे स्थान का स्वामी यदि 5वें में हो, तीसरे का नहीं सॉरी 7वें स्थान का स्वामी यदि 5वें में हो तीसरे में हो तो ये संतान के लिए अच्छा नहीं होता, प्रथम संतान के लिए। इसी प्रकार से यदि 7वें स्थान का स्वामी 5वें में हो तो 3-4 सूत्र लिखे हैं उसके अंदर कि विवाह के समय इनके पिता नाराज हो जाते हैं, विवाह के बाद इनके पिता का स्वास्थ्य खराब होता है। अब इनका विवाह तो हुआ नहीं है, वो तो समस्या सामने आई गई क्योंकि शुक्र की और सूर्य के जो अंश हैं वो बिल्कुल ये बता ही रहे हैं कि समस्या क्या है। लेकिन ये जरूर हो सकता है कि जब ये 23 वर्ष के थे जब इनके पिता एक्सपायर हुए हैं, तो हो सकता है उसी सीक्वेंस में इनको कोई महिला मित्र मिली होगी,
तो जिसके कारण से पिता नाराज भी हुए होंगे और उसके बाद उस लेडी के इनके जीवन में आने के साथ साथ ही इनके पिता के स्वास्थ्य में कोई गिरावट आई होगी। अब ये जब ये 23 वर्ष के थे 2018 में तो दीपा जी उनसे कंफर्म करके बताएंगी कि उस पीरियड में, क्योंकि 23 वर्ष का जो भी व्यक्ति होगा स्वाभाविक है कॉलेज में जाना और हायर स्टडीज में जाना, और अगर कॉलेज नहीं भी जा रहे हैं तो व्यस्क तो होगा ही उस समय, तो ऐसे में विपरीत जेंडर से रुझान तो बन ही जाएगा, और जब बनेगा तो वो योग तभी घटित होगा। तो सप्तमेश इनका सातवें में भी है और उसके साथ साथ वो आपके दसवें में भी है। तो सप्तमेश सातवें में हो सप्तमेश नौवें में हो तो पिता के लिए दिक्कतें देता है, विदेश से भाग्य उदय कराता है। दो सूत्र बने कि विदेश से भाग्य उत्पन्न होता है और पिता के लिए घातक होता है। और सप्तमेश यदि दशम में हो तो व्यक्ति जो है साझेदारी में व्यापार करता है। और दूसरा सूत्र यह कि जो जीवन साथी है वो अपने इनलॉज का, अपने उनका सास ससुर का कहना नहीं मानता, ऐसा सूत्र में लिखा हुआ है। अब पिता तो है नहीं, अब जब इनका विवाह होगा तो माता जी का कितना कहना मानेगी वो समय बताएगा। जी दीपा जी, वो इनसे डाल के पूछना कि जब ये 22 23 24 वर्ष के थे, मतलब 22 से 23 वर्ष के थे, तो क्या इनके जीवन में कोई फीमेल फ्रेंड वगैरह आई, जिस तो इतना पूछ लेना बस। ओके जी, मैं बता दे। हाँ जी, आगे चलिए। एट लॉर्ड एट हाउस में है तो, और गुरु से दृष्टि है तो लंबी आयु देता है, पर बाकी ये बचपन में मून है तो बीमारियां, लंग्स इशू या खांसी जुकाम, इस तरह की बीमारियां भी। हाँ, ये बात तो ठीक बोली आपने, अष्टमेश अष्टम में हो तो आयु लंबी होती है, और आठवें स्थान में आठवें स्थान का स्वामी चर राशि में हो तो भी आयु लंबी देता है। जब हम आयु की बात करेंगे तो साथ में दूसरा भी देखना चाहिए, आयुष कारक जो होते हैं वो शनि होते हैं, तो यदि शनि किसी भी प्रकार से पत्रिका में बलि हो तो शनि इसमें चेष्टा बलि भी है क्योंकि वक्रत्व में है, तो ऐसे में एक चीज तो ये पता लग रही है कि आयु तो ईश्वर ने चाह जातक की आयु तो लंबी होनी चाहिए। अच्छा पॉइंट है, वेरी गुड। कोमल जी, आप तो बोलने में इतना झिझक रहे थे, आप तो अच्छा बोलते हैं बहुत ही। नहीं, मैं तो ऐसे थोड़ा बहुत ही, शर्मा सर के साथ 5-6 महीने एक दो क्लासेस अटेंड जो की। अरे उनके साथ तो एक बिताया हुआ एक पल भी बहुत है। आज हम सब यहाँ इकट्ठा हो रखे हैं, या हम ये कहने में जरा सा सामर्थ्य रख रहे हैं तो उन्हीं के कारण है। नाइंथ लॉर्ड नाइंथ हाउस में तो भाग्यशाली होता है, साथ में 10th लॉर्ड भी है और 7th लॉर्ड भी और 11th लॉर्ड भी, तो 6th लॉर्ड भी, और फादर भी अच्छे नेम फेम वाले होने चाहिए और पैसे वाले होने चाहिए जब थे वो। ऐसे वाले थे। लेकिन आपने ये कुंडली दी है तो मेरे को एक बात बताओ कि कुछ लोग होते हैं बैक बाइटर, मतलब सामने से तो किसी के बारे में कुछ नहीं बोलते, जब वो व्यक्ति नहीं है तो उसके बारे में बोल देते हैं, वो कोई भी चीज है अच्छी बुरी सब, तो
कभी देखा आपने इनको बैक बाइटिंग करते हुए, अगर आप इनको जानते हैं तो? जी लड़के हैं तो इतना जानती नहीं हूँ कि, क्योंकि लड़कों से बात करते हैं तो इतना पता नहीं इसके बारे में, बाकी थोड़ा बहुत हाँ बोल देते हैं भाई, इतना नहीं ज्यादा मैंने सुना। जी कोमल जी, 10th लॉर्ड 10th हाउस में भी है और 9th हाउस में भी, तो प्रोफेशन वाइज तो ये अच्छा होना चाहिए, पर 12th लॉर्ड साथ में है तो सेटिस्फेक्शन कभी नहीं रहेगी कि मैं अच्छा कर रहा हूँ। अपने जॉब से सेटिस्फाई नहीं रहेंगे, पर वैसे अच्छी होनी चाहिए जॉब, मतलब तो जो भी काम कर रहे हैं दशमेश मतलब 12वें का स्वामी 10वें में बता रहे हैं जी, डिससैटिस्फेक्शन देता है या फिर जॉब चेंजेस या चेंजेस बहुत होते हैं काम, मतलब डिससैटिस्फाइड रहता है इसीलिए शायद चेंजेस करता है। और बिजनेस फॉरेन से रिलेटेड भी हो सकता है। ये तो काफी देखने को मिला, 12वें का स्वामी 10वें में हो तो दो तीन चीजें देखने को मिलती हैं। एक इसका संबंध प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से विदेश से जुड़ा रहता है व्यापार के लिए, दूसरा हालांकि इन्होंने तो खुद ही कमाना शुरू कर रखा है लेकिन उसके बाद भी ऐसा लगता है कि जो इनके फादर हैं वो कुछ तो ऐसा करके गए होंगे जिससे इनका, जिससे इनको बहुत ज्यादा ना करना पड़ा हो, तो उनकी बनाई हुई फसल को धीरे धीरे इन्होंने काटना शुरू किया हो। तो वो तो दीपा जी बताएंगे कि इनके प्रोफेशन में इनके फादर का क्या हाथ रहा था, जो कि का बनाया हुआ काम नहीं, जो इनका अपना सीमेंट का काम है वो शॉप फादर की बनाई हुई है, गोदाम फादर का बनाया हुआ है या उसमें इन्वेस्टमेंट्स फादर ने लगा रखी है? ये इनके दादाजी का काम था, फिर इनके फादर ने फॉलो अप करा, फिर अब ये कर। अगर आप लोगों को याद हो तो सर ये कहते थे कि यदि 12वें स्थान का स्वामी 10वें में हो तो इसका खर्चा तो राजा उठाता है, तो इसके कई रूप देखने को मिले हैं, या तो ये गवर्नमेंट जॉब में होता है या फिर इसका खर्चा कंपनी उठा रही होती है, अगर प्राइवेट है तो, अगर सीमेंट गोदाम है तो नो डाउट कि हो सकता है शुरुआत में इन्होंने खुद पैसा लगाया हो, अब कहीं ना कहीं कंपनी भी इनके ऊपर भी इन्वेस्ट करती होगी, और दूसरा जो है ना ये पीछे से मिल जाता है, मतलब अपने से ज्यादा बनाने से पीछे से बना हुआ मिल जाता है, और चेंज ऑफ वर्क का जो कॉम्बिनेशन कह रहे हो वो वैसे ज्यादा मैंने जब देखा है, जब 8वें स्थान का स्वामी 10वें में हो तो ये बहुत फ्रिक्वेंटली चेंजेस करने वाले होते हैं अपने प्रोफेशन को, तो 10 वर्ष कर लिया तो गनीमत मान लेना। जी इलेवेंथ लॉर्ड 9th हाउस में तो बड़े भाई या फादर की हेल्प मिलती है प्रोफेशन। जी हाँ बड़े भाई हेल्प करते हैं। और 12वें स्थान में बैठा हो बृहस्पति,
उसके बारे में क्या है? आइडिया नहीं है। बारहवें स्थान में वैसे बृहस्पति बैठा हो ना, तो कभी कभी व्यक्ति जो है ना अपना धर्म वर्म सब छोड़ देता है, उसके वो एथिक्स वेथिक्स से सबसे खेल लेता है। मतलब वो कहता है कि सब एक तरफ रख दो, एथिक वेथिक, और वो अच्छा बुरा सब कुछ करना जानता है। तो एक तरफ धनु लगन है, वो ये कह रहा है कि एथिकल होना चाहिए, मॉरल्स होने चाहिए, लेकिन बारहवें स्थान में बैठा हुआ बृहस्पति कभी कभी इन सारी चीजों को बिगाड़ देता है। तो सिंफुल एक्ट भी है क्या इनका? मतलब कभी कभी ऐसा ऐसा लगता है कि आपको ये मतलब एथिक्स मोरल इन सबको भूल जाते हैं? जी नहीं, पूजा पाठ तो काफी करते हैं, हैं? पूजा पाठ तो काफी करते हैं, तीर्थ यात्रा है, पूजा है तो काफी करते हैं। पूजा पाठ का नहीं कह रहा मैं बेटा, मैंने बोला कि जो मॉरल्स हैं, आदर्श हैं, उन सबको एक तरफ रख देता, ताक पे रख देता है, वो पूछा मैंने। गुस्से वाले हैं, पाई से लड़ाई हो जाती है, ये सब होता है। ना जुपिटर मॉरल और एथिक्स की, भाई जैसे मंदिर लोग जाते हैं रेगुलर, तो ये मंदिर ना जाके कि भाई किसी की हेल्प कर दी घर में ही पूजा करके, जरूरी नहीं है मूर्ति पूजा करें, इस टाइप के मतलब वो अपने चेंज कर लेते हैं। जी अगर जुपिटर इन 12th, मैंने जो ऑब्जर्व किया है कई चार्ट्स में, कि जरूरी नहीं है कि मतलब जैसे मूर्ति पूजा कोई, जो बनी, हाँ जो बात आप कह रहे हैं वही है, बनी बनाई जो परिपाटी है ना, कई बार उसी से अलग हट जाते हैं। मतलब जैसे कि बस हाँ मतलब इन वो जरूरी नहीं कि भाई वो कि भगवान को वैसे जब मंदिर जरूरी जाना है, जैसे बहुत अच्छे डेज पे हमें मंदिर जाना ही जाना है, जैसे मोस्टली लोग जी जाते हैं तो वो कहते हैं नहीं हमें कोई नहीं, मैं किसी गरीब को भी वो दूध चढ़ा दूंगा तो मेरा वो शिवलिंग पे चढ़ाना हो गया, उसको दे दूंगा, तो इस टाइप के देखे हैं मैंने ज्यादातर। जातक का जन्म कृष्ण चतुर्थी को हुआ है। शास्त्र क्या कहता है? जिनका जन्म चतुर्थी को होता है ये रक्षक होते हैं। ये बहुत देखने को मिला है, जिनका भी जन्म चतुर्थी को होता है। पहले सॉरी, चार्ट तो कर कोमल जी ने बताई दिया, थैंक यू कोमल जी, काफी अच्छा आपने बोला, और इसी तरीके से सबको धीरे धीरे बोलना चाहिए तो उससे आता भी है। तो अगर आप बोलें तो फिर इसकी एक जो शॉर्ट इंटरप्रिटेशन है, जैसे आपने कहा कि भैया इसमें पंचांग वगैरह पे भी बता देना, तो उन सब चीजों के लिए अगर आप बोलते हैं तो फिर मैं इस पर बताता हूँ। बताइए। करें फिर इसका जो पंचांग वगैरह है, या फिर आपको लगता है चार्ट हो गया? मेरे क्वेश्चन था बस, अगर 11th हाउस में राहु होता है तो क्या होता? 11वें स्थान में राहु हो तो पैसे से भरपूर रहता है, लेकिन उसकी कमाई कैसी है ये नहीं कहा जा सकता। मतलब पैसा उसके पास होता है, कई जगह तो ऐसा भी सुनने को मिला है कि तिजोरी फाड़ के धन भर देता है ये। मतलब पैसा बहुत होता है इसके पास, लेकिन ये भी सच है कि वो कमाई या इनकम के जो सोर्सेज हैं वो एथिकल हैं अनएथिकल हैं, उसके बारे में थोड़ी सी विचार कर लेना चाहिए, ये कहा जाता एक है। और ये कहते क्वेश्चन था, हैं अन अर्न मनी होती है, बिना कमाई के धन होता है इनके पास, ये कहते हैं। मेरे जी क्वेश्चन था कि शादी के लिए जैसे देख रहे हैं प्रॉब्लम आ रही है, तो पितृदोष भी दिखता है बिकॉज पितृदोष तो इसमें नहीं है। उसका कारण क्या है कि
एक तो मघा नक्षत्र ने कोई पीड़ा नहीं है, एक पांचवें स्थान में जो पीड़ा है वो जो है वो प्रेत दोष तो दे रहा है, पितृ दोष से ज्यादा इनको कोई प्रेत दोष है, इनके परिवार में ही कोई कर्ज चला आ रहा है उस चीज के कारण से इनको दिक्कत है। वैसे अगर देखा जाए तो ये बात तो ठीक है कि पांचवें स्थान में बैठे हुए केतु को शनि और मंगल देख रहे हैं, और सिद्धांत भी यही कहता है कि पांचवें स्थान में बैठे हुए पाप ग्रह को पाप ग्रह देखें, तो ये तो इसमें नजर आता है, लेकिन वो केतु से इतना नहीं बनता है, राहु से ज्यादा बनता है। इवन यहाँ पे यदि मंगल बैठा होता उसे शनि देखता राहु देखता तो भी ये बनता, तो इसमें पिशाच दोष या प्रेत दोष तो है लेकिन इसमें पितृ दोष थोड़ा कम है। इनके विवाह देरी से होने का कारण या अभी तक ना होने के कारण जो शुक्र का अस्त होना है वो सबसे बड़ा कारक है, तो शुक्र यदि अस्त है तो जातक का विवाह इतनी जल्दी नहीं होता है, समस्याएं लेके आता है। यदि इसी को नवांश में भी जाके देखें तो नवांश का जो लगन है वही विवाह का लगन है, नवांश का जो सप्तम है वो दाम्पत्य है, तो नवांश लगन में नीच अवस्था में केतु बैठा हुआ है, नवांश लगन का स्वामी मिथुन राशि में, ऐसा आचार्य कहते हैं कि मिथुन में शुक्र का होना कोई बहुत अच्छा योग नहीं होता है। और वैसे भी जो ड्राई साइंस होते हैं जैसे कि 1, 5, 9 उसमें शुक्र का होना अच्छा नहीं होता है। दूसरा आगे बढ़े तो सातवें स्थान में नीच का आपका राहु, ये और ज्यादा समस्याएं देता है। वृश्चिक का राहु असल में मूलतः नीच का ही होता है, धनु का भी नीच का होता है लेकिन उसके ज्यादा परिणाम वृश्चिक में भी देखने को मिले हैं, तो इस कारण से विवाह में जो बाधाएं हैं या विवाह में जो समस्याएं हैं वो इस समय वह हैं। लेकिन आचार्य ये कहते हैं कि यदि दूसरे स्थान की, चौथे स्थान की, पांचवें स्थान की, सातवें की, आठवें की और ग्यारहवें की दशाएं यदि चलने लग जाएं तो कई बार दाम्पत्य बन जाता है। तो अभी हमने देखा कि शुक्र से बारहवें स्थान में बैठे हुए चंद्रमा की दशा चल रही है और जो जन्म पत्रिका का आठवां स्थान है, तो ऐसा लगता है कि अगले 2026 के मई से पहले कोई विवाह का प्रस्ताव आ जाना चाहिए, देखते हैं वो कितना फलीभूत होता है। ठीक है जी, ओके जी, थैंक्स। तो ठीक है फिर आज का कंप्लीट करते हैं सेशन, आपने अच्छा बोला कोमल जी, और कोई किसी का कोई प्रश्न हो? सर एक तो पीछे बात हुई थी सरब दृश कान के बारे में, आपने बोला था मैं वो करवा दूंगा। सर वो दृश कान जब किसी ने ना एक सेपरेट ही क्लास लेनी पड़ेगी, उसमें थोड़ा टाइम तो लगता है। सर उसमें सारे करवा देना जो, हाँ जब दृश कान पढ़ाया जाएगा तो, हाँ वो पूरा दृश कान के जो 22 दृश कौन है वहां तक भी पढ़ाना पड़ता है, और उसमें सारे ही लेके चलेंगे, कराएंगे एक दिन क्या करेंगे, चार्ट रीडिंग नहीं करेंगे, दृश कौन पढ़ा देंगे। सर एक ये भी समझ में आता है पितृ दोष और ये प्रेत को पाप बता रहे हैं, एक वो ये भी समझ नहीं आते कैसे देखते हैं पितृ दोष, मघा नक्षत्र पीड़ित हो, मावस का जन्म हो, पांचवें स्थान में बैठे हुए पाप ग्रह को पाप ग्रह देखें, सिंह राशि में राहु हो तो पितृ दोष लगता है। मेष का फल क्या होता है पितृ दोष का? पितृ कृपा से संतान उत्पन्न होती है, तो इसका मतलब ऐसे व्यक्ति का परिवार आगे बढ़ने में दिक्कत आएगी। मतलब मेल चाइल्ड नहीं होगा,
मैरिज या संतान ही नहीं हुई, जब मैरिज होगी तो संतान होगी, और जब संतान नहीं, नहीं मैं एक तो... जनरल वे में पूछ रही हूँ कि मैरिज होने में पितृदोष से मैरिज होने में प्रॉब्लम होती है या बच्चे होने में, मैं एक जनरल इस चार्ट से रिलेटेड नहीं। जी जी, पहली बात तो ये है कि पितृदोष कन्याओं की पत्री में होता नहीं है, कभी भी भूले से ये ना कहें कि भाई कन्या की पत्री में मंगल बैठा हुआ है, ओ पांचवें स्थान में पीड़ा है तो पितृदोष है, वो नहीं है। पितृदोष केवल वर के लिए या पुरुष कुंडली के लिए कहा गया। तो पितृ कृपा से संतान उत्पन्न होती है, संतान उत्पन्न होने के लिए दो लोगों का मिलन जरूरी है, एक पुरुष और एक नारी। तो स्वाभाविक है कि उसको मैरिज नहीं होगी, तभी तो फिर अगला प्रोसेस होगा। मैरिज हो जाती है तो बच्चा नहीं होगा, बच्चा हो गया तो जो एक परिपाटी चली आ रही है, एक पुराना मन के अंदर है कि भाई जब लड़का होगा तभी परिवार आगे बढ़ेगा, तो कई बार लड़का नहीं होता है, पहले पहले बिटिया होती है बाद में लड़का होता है, या लड़का कष्टपूर्ण होता है, तो ये सब उसके परिणाम है। लेकिन जो प्रेत दोष है वो क्या है, ऑल ऑफ सडन घर में प्रॉब्लम्स आती हैं, एक के बाद एक आती है, एक निपटाते हैं तो दूसरी आती है, दूसरी निपटाते हैं तो तीसरी आती है, वो प्रेत दोष के रूप में। और जो अनजान समस्याएं हैं, जो आप अनडायग्नोजेबल है, आप उसको ये नहीं समझ पा रहे ये हो क्यों रही है, तो वो भी सब प्रेत दोष से आती है। ये दोनों में फर्क है, पितृदोष और प्रेत दोष। जैसे कई बार कहते हैं ना कि मतलब इन चीजों में बहुत ज्यादा विश्वास नहीं रखना चाहिए, लेकिन फिर भी कहते हैं कि हमने टेस्ट सारे करा लिए लेकिन बीमारी जा नहीं रही, टेस्ट सारे करा लिए लेकिन बीमारी आ नहीं रही, वो राहु का दोष हो सकता है। टेस्ट सारे करा लिए, दवाइयां सब लेके देख ली लेकिन बीमारी जा नहीं रही, वो पितृ प्रेत दोष का योग हो सकता है। एक भैया मेरे पास है चार्ट राहु, मतलब फिफ्थ हाउस में हम पितृ दोष की बात कर रहे हैं जी, ठीक है, उनका कर्क लगन तो राहु नीच का हो गया वृश्चिक का। हाँ, उसमें वृश्चिक में ज्यादा नीचे तो फल देखने को मिले। हाँ, और फिर जाके मंगल भी लगन में नीच का हो गया, चाहे भाव चलित में वो ट्वेल्थ में जा रहा है, पर लगन का स्वामी मंगल लगन में जाके नीच का हो गया फिफ्थ लॉर्ड भी। ओ, तो वो पितृ दोष हम मान रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने देखा उनके बेटा है अच्छा। कितनी एज है बच्चे की? आपने कहा उनको बेटा है, उसकी एज कितनी है? आवाज नहीं आ रही बहन जी आपकी। भैया वो 24 साल 25 साल का हो गया बच्चा, अब आ रही है? हेलो। हाँ, तो बच्चा जो 25 साल का हो गया, तो बच्चा इनके पास ही है, उनसे दूर है, या उस साथ ही रहता है, कमी है, या उसको कोई हेल्थ इशू है? हेल्थ इशू में वो उनकी फैमिली में था थोड़ा, कि वो अपनी हाइट से ना, जैसे नॉर्मल हाइट होती है बच्चों की क्लास में, वो एक्स्ट्रा है, अभी भी वो 6'3" 4" का है, बस एक वो थोड़ी सी उसको... ये दोष का है, तो अच्छी बात है, लंबा होना तो कोई खराब नहीं है। यह हार्मोनिकल डिस्टरबेंस के कारण से खली जैसे लंबे हो गए। आज कुछ आवाज डिस्टर्ब कर रही है बीच बीच में। हेलो, आवाज आ रही है भैया? जी जी, बोलिए बोलिए। मैं कह रही हूँ वो उसकी मदर को भी थी, वो मदर भी अपनी थोड़ा सा एज से हाइट में ज्यादा थी, तो फिर वो अपनी क्लास में, बस ये है। नहीं, एक तो हाइट लंबी होना एक अच्छी बात है, और एक हाइट लंबी होना, जैसे कि
अभी जैसे मैंने एक वो बोला कि कई लोगों की इतनी लंबी हो जाती है कि उनसे चलने फिरने में मुश्किल होती है, पांच नहीं पर छह तो एनफ है, बच्चा बहुत अच्छे से जिम विम करता है, अच्छे से रह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उसे। तो एज कितनी है अभी बच्चे की? 25 साल। 25 साल भैया, देखो आगे देखने को मिलेगा। अगर पांचवें स्थान में इस प्रकार से समस्याएं हैं, दूसरी बात उनसे ये भी पूछ के देखना कि क्या इससे पहले कोई संतान डिस्टर्ब तो नहीं हुई, क्योंकि एक एक बड़े अच्छे ज्योतिषाचार्य हैं तो उनको पांचवें स्थान में, जैसे आपने कर्क लग्न बताया इसी तरह से उनके पांचवें स्थान में पीड़ा तो है, तो पहली संतान जो है वो उनकी उतनी योग्य नहीं निकली जितनी होनी चाहिए, लेकिन दूसरी संतान उनकी अच्छी हुई, तो कहीं ना कहीं अगर संतान दोष है तो आएगा तो सही। ठीक है भैया, पूछ लूंगी मैं, क्योंकि वो तो मेरे को लगता है उनका फर्स्ट चाइल्ड है, उसके बाद अबॉर्शन हुए हैं शायद, पहले तो नहीं हुए और सिंगल।